प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विख्यात है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से विख्यात है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के संबंध किस प्रकार के थे? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के आपसी संबंध बहुत ही मधुर तथा पिता पुत्र तुल्य होते थे। वैदिक कालीन अथवा प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुरुकुल में बालक के प्रवेश के समय संपन्न होने वाले संस्कार को क्या कहा जाता था? उपनयन संस्कार। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने, शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को क्या कहा जाता था? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के समय होने वाले मुख्य समारोह को क्या कहा जाता था? समावर्तन संस्कार के समय होने वाले मुख्य समारोह को दीक्षांत समारोह कहा जाता था। गुरुकुल के शिक्षा काल को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा आश्रम माना जाता था? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गुरुकुल के शिक्षा काल को ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था। गुरुकुल की शिक्षा को समाप्त करने के उपरांत युवक किस आश्रम में प्रवेश करता था? गुरुकुल की शिक्षा को समाप्त करने के उपरांत युवक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समाज के किस वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शूद्र वर्ण के बालकों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों अथवा वेदों के नाम लिखिए। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं का सामान्य उल्लेख कीजिए। प्राचीन काल में मुख्य शिक्षण संस्थाएं थीं गुरुकुल, वैदिक विद्यालय, चारण विद्यालय, परिषदें, टोल, घाटियें, मठ, विद्यापीठ, वन विद्यालय, मंदिर विद्यालय, विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में गुरुकुलों की किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी? प्राचीन काल में गुरुकुलों में वैयक्तिक शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था। गुरुजन मुख्य रूप से प्रवचन तथा व्याख्या के माध्यम से विषयों के समुचित विकास के लिए प्रयास करते थे। उपनयन संस्कार का संबंध है वैदिक काल से। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को विदुषी कहते थे। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था आध्यात्मिक। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन। उपनयन शिक्षा संस्थान संस्कार किस काल में होता था? वैदिक काल। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञानार्जन। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे गांवों से दूर। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध थे पिता और पुत्र के समान। वैदिक काल में प्रमुख आधार थे वेद। वैदिक काल में शिलालेखों शिक्षालयों को क्या कहा जाता था? गुरुकुल। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप था मौखिक। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? काशी। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? शिक्षा प्रारंभ के समय। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? अंतेवासी। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नियमानुसार बालक की शिक्षा आरंभ करते समय किस संस्कार को आयोजित किया जाता था? बालक की शिक्षा को आरंभ करते समय प्रावज्ञा संस्कार आयोजित किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्धकालीन शिक्षा में पाली भाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में मुख्य रूप से शिक्षण की किस प्रणाली को अपनाया जाता था?
बौद्ध काल में मुख्य रूप से शिक्षण की मौखिक प्रणाली को अपनाया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा के दो मुख्य स्तर कौन कौन से थे? बौद्धकालीन शिक्षा के दो मुख्य स्तर थे प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता था? बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य क्या स्वीकार किया गया है? बौद्धकालीन शिक्षा को परम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति माना गया था। आलोचकों के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा में जीवन के किस पक्ष को समुचित महत्व प्रदान नहीं किया गया? आलोचकों के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा में जीवन के लौकिक पक्ष को समुचित महत्व प्रदान नहीं किया गया था। बौद्ध काल में बालक की शिक्षा के पूर्ण होने के अवसर पर किस संस्कार को संपन्न किया जाता था? बौद्ध काल में बालक की शिक्षा के पूर्ण होने के अवसर पर उपसंपदा संस्कार संपन्न किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किस वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में चांडाल वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखें? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप थी, यह कथन किसका है? आर के मुखर्जी। बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा का ज्ञान किस लेखक की यात्रा वृत्त विवरण में होता है? हेनसांग। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे बौद्ध मठ। बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु थी 8 वर्ष। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का संस्कार था प्राबज्ज्या। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली। बौद्ध काल में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा। बौद्ध काल में किस ग्रंथ में उस समय प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा को 19 विषयों का उल्लेख मिलता है? मिलिंदपन हो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बौद्ध काल में। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट स्थित है? पटना। प्रवज्ञ संस्कार का संबंध है बौद्ध शिक्षा से। बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था? प्रावज्ज्या। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? धम्म। मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था बौद्ध शिक्षा का। मध्यकाल में भारत में किनका शासन था? मध्यकाल में भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों का शासन था। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को मुस्लिम शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्ला संस्कार से होता था। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस धर्म पर आधारित थी? मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली इस्लाम धर्म पर आधारित थी। मुस्लिम शिक्षा कितने स्तरों में विभाजित थी? 2 स्तरों में, प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। मध्यकाल में किन संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी? मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा मकतबों में प्रदान की जाती थी। मकतब क्या है? मकतब प्राथमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाएं हैं। मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन शिक्षण संस्थाओं में होती थी? मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्य रूप से किस विधि को अपनाया जाता था? मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के लिए मौखिक विधि को अपनाया जाता था। मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? मध्यकाल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिष्य संबंध किस प्रकार होते थे? मध्यकालीन शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिष्य संबंध मधुर तथा घनिष्ठ होते थे। पारस्परिक स्नेह सम्मान तथा कर्तव्यों का ध्यान रखा जाता था। भारत में मध्यकाल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? भारत में मध्यकाल में शिक्षा के मुख्य केंद्र थे आगरा,
दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात, जौनपुर। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा के छात्रों को कौन कौन सी मुख्य उपाधियाँ दी जाती थी? कामिल, फाजिल तथा आलिम नामक उपाधियाँ दी जाती थी। मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा में कौन कौन से रूप प्रचलित थे? हस्तकला, चिकित्सा शास्त्र, सैन्य शिक्षा, विभिन्न ललित कलाएँ। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी? मुस्लिम काल मध्यकाल में बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी? इस्लाम धर्म। मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? फारसी। मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? बिस्मिल्ला। मुस्लिम काल में बिस्मिल्ला रस्म अदा की जाती थी जब बालक हो जाता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता था? है बिस्मिल्ला। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे मकतब। मध्यकालीन भारत में उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को कहा जाता था मदरसा। मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध व संरक्षण का दायित्व किस पर था? राज्य पर। मध्यकाल में शिक्षा की प्रगति किस बादशाह के काल में सर्वाधिक हुई? अकबर। मध्यकाल में साहित्य में निष्णात छात्र को कहा जाता था कामिल। तर्क और दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को क्या उपाधि दी जाती थी? फाजिल। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणी शिक्षा की अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। यह कथन किसका है? डॉक्टर केई का। बिस्मिल्ला संस्कार का संबंध है मुस्लिम काल से। मध्यकालीन मुगलकालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी? गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में शिक्षा का कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम किन संस्थाओं द्वारा सफल प्रयास किया गया? ईसाई मिशनरियों द्वारा। भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किस शासनकाल में हुआ? अंग्रेजों के शासनकाल में। ईसाई मिशनरियों के अतिरिक्त किन भारतीय समाज सुधारकों ने देश में आधुनिक शिक्षा के विकास में योगदान प्रदान किया? आधुनिक शिक्षा को आरंभ करने में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, सर सैयद अहमद खां आदि समाज सुधारकों ने उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा संबंधी सिद्धांत को निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? छनाई के सिद्धांत का सुझाव लॉर्ड मैकाले ने दिया था। आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड कर्जन के योगदान को स्पष्ट करें। लॉर्ड कर्जन ने संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए थे। 1854 में शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? चार्ल्स वुड ने। किस अभिलेख को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है? वुड के घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किसने की थी? शिक्षा में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा चार्ल्स वुड ने सन 1854 के घोषणा पत्र में की थी। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन कब और किस लिए किया गया था? भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन का गठन सन 1882 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार करना था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए? दयानंद वैदिक कॉलेज, लाहौर सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस फ्यूक्शन कॉलेज पूना, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किस सन में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष कौन था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष माइकल सैंडलर था। सार्जेंट योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों को की शिक्षा के लिए मुख्य रूप से क्या सुझाव दिया गया था? सार्जेंट योजना के अंतर्गत सुझाव दिया गया था कि 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए नर्सरी विद्यालय स्थापित किए जाएं तथा
यह शिक्षा निःशुल्क हो। भारत ने आने वाला प्रथम यूरोपियन था पुर्तगाली। वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर कब उतरा? मई 1498 में। यूरोपियों के आगमन के समय भारत की देसी शिक्षा की क्या दशा थी? दयनीय। वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की? 1780 में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा प्रचार हेतु कब से अनुदान देना प्रारंभ किया? 1813 ईस्वी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? लॉर्ड मैकाले द्वारा। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देसी साहित्य के बराबर होगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का माध्यम था अंग्रेजी। चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1854 में। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड का विवरण पत्र। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित करवाया? लॉर्ड कर्जन। भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास और समस्याओं पर विचार करने वाला पहला आयोग था हंटर आयोग। भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? कोलकाता। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1935। भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1854 ईस्वी में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1861 को हुआ था। मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कारों का विकास करना है। मालवीय जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए? मालवीय जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण का आधार व्यक्ति, समाज, देश की आवश्यकता, संस्कृति एवं जीवन दर्शन होना चाहिए। मालवीय जी ने शिक्षा की किस स्वरूप को प्राथमिकता प्रदान की थी? मालवीय जी संस्थागत अर्थात औपचारिक शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते थे। मालवीय जी ने शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा को अपनाने का सुझाव दिया था? मालवीय जी ने शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा तथा हिंदी भाषा को अपनाने का सुझाव दिया था। उनके अनुसार केवल व्यावहारिक कठिनाइयों की दशा में अंग्रेजी भाषा को अपनाया जा सकता है। मालवीय जी किस शिक्षण विधि के पक्ष में अधिक थे? मालवीय जी शिक्षण की व्याख्या विधि के पक्ष में अधिक थे। मालवीय जी की अनुशासन संबंधी मान्यता क्या थी? मालवीय जी आत्मानुशासन तथा प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में थे, वह दमनात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे। मालवीय जी का मुख्य नारा क्या था? मालवीय जी का मुख्य नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था का नाम बताएं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पंडित मदन मोहन मालवीय किस हिंदी दैनिक पत्र के संपादक रहे थे? हिंदुस्तान। शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है, यह कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित संस्था है ये सभी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारती भवन पुस्तकालय, हिंदू हॉस्टल। मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। मालवीय जी किस प्रकार की शिक्षा का आवश्यक मानते थे? इन सभी प्रकार की शिक्षा। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एनी बेसेंट का जन्म कब और किस देश में हुआ था? एनी बेसेंट का जन्म सन 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट मूल रूप से किस देश की नागरिक थी? एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की नागरिक थी। श्रीमती एनी बेसेंट किस महान संस्था की सक्रिय सदस्य थी? श्रीमती एनी बेसेंट महान संस्था थियोसोफिकल सोसाइटी की सक्रिय सदस्य थी। एनी बेसेंट ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी।
एनी बेसेंट ने किस शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हाई स्कूल नामक शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? शारीरिक मानसिक संवेगों का विकास, नैतिक आध्यात्मिक आदर्श नागरिकों का निर्माण। जनसाधारण की शिक्षा के विषय में एनी बेसेंट की क्या धारणा थी? एनी बेसेंट जनसाधारण की शिक्षा को अनिवार्य मानती थी। उनके अनुसार प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा के विषय में एनी बेसेंट का क्या मत था? एनी बेसेंट धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य मानती थी। एनी बेसेंट के अनुसार ग्रामीणों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? एनी बेसेंट के अनुसार ग्रामीणों के लिए कृषि उद्योग एवं कला कौशल की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने भी दिया जाए। डॉक्टर एनी बेसेंट का विचार था कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए सुविधा अनुसार अंग्रेजी भाषा को भी माध्यम के रूप में अपनाया जा सकता है। श्रीमती एनी बेसेंट मूल रूप से भारतीय ना होकर आयरिश थी। एनी बेसेंट का जन्म हुआ था लंदन में। एनी बेसेंट किस संस्था से संबंधित थी? थियोसोफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट की विशेष लगाव था प्राचीन भारतीय संस्कृति से। जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट के भव्य सेवाओं की स्मृति भी अमर रहेगी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के आशय था अंतर्निहित क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मानुभूति तथा ईश्वर की प्राप्ति है। जन शिक्षा के विषय के गांधी जी का क्या विचार था? गांधी जी जन शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली है बेसिक शिक्षा प्रणाली। गांधी जी किस प्रकार के अनुशासन के विरुद्ध थे तथा उन्होंने किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया है? गांधी जी दमनात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे तथा उन्होंने आत्मानुशासन का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार छात्रों को अनुशासित रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उन्हें क्रियाशील रखना है। महात्मा गांधी की देश की बहुत सी देनों में से बेसिक शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम है, यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन हुमायूं कबीर का है। किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने सत्य और ईश्वर की अनुभूति के लिए अहिंसा को ही एकमात्र साधन समझा? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का नाम बेसिक शिक्षा योजना। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। गांधी जी ने किस शिक्षा पर बहुत कम बल दिया? विज्ञान। गांधी जी शिक्षा द्वारा कैसा समाज स्थापित करना चाहते थे? सर्वोदयी समाज। सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। निम्न में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं है? नई तालीम। आधुनिक शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ और उनके पिता का क्या नाम था? आधुनिक शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। टैगोर मूल रूप से क्या थे? टैगोर मूल रूप से कवि एवं साहित्यकार थे। टैगोर को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? टैगोर को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था? टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
टैगोर किस प्रकार के अनुशासन के विरुद्ध थे तथा किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक थे? टैगोर दमनात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे तथा आत्मानुशासन के समर्थक थे। टैगोर द्वारा स्थापित अति प्रसिद्ध शिक्षण संस्था का नाम बताएं। विश्वभारती। विश्वभारती संस्था के जन्मदाता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। विश्वभारती में किस स्तर की शिक्षा दी जाती थी? विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाती थी। टैगोर द्वारा दिया गया मानवतावादी नारा क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को क्यों लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जलियांवाला बाग की दुर्घटना से अत्यधिक दुखी थे, अतः उन्होंने अपना रोष प्रकट करने के लिए सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय पूर्व और पश्चिम के बीच जीवित संबंधों की खोज और पारस्परिक सांस्कृतिक सौहार्द तथा विवेक को प्रोत्साहन देता है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। शिक्षा को व्यावसायिक उद्देश्य का तात्पर्य बताएं। टैगोर के अनुसार शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वह अपनी जीविका स्वयं अर्जित कर सके तथा अपने परिवार का जीवन यापन भी कर सके। रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है? प्रकृतिवाद। शिक्षण की किस विधि को टैगोर उचित मानते थे? ये सभी। शांति निकेतन का वर्तमान नाम है विश्व भारती। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। यह शैक्षिक मान्यता किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। टैगोर द्वारा स्थापित संस्था का नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? टैगोर ने। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं सिवाय परिवार नियोजन। परिवार शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा गया 1970 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? 1975 ईस्वी में। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1986 में। विश्व वन जीव कोष की स्थापना हुई 1962 ईस्वी में। हमारे देश में शिक्षा के प्रसार की दर किस काल में सर्वाधिक हुई? हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत के काल में शिक्षा के प्रसार की दर सर्वाधिक हुई। वर्तमान भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप गुणात्मक या परिमाणात्मक है? वर्तमान भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप परिमाणात्मक है। शिक्षा में असंतोषजनक प्रसार के लिए जिम्मेदार दो मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के असंतोषजनक प्रसार के लिए दो मुख्य कारण जिम्मेदार हैं, शिक्षा में अपव्यय तथा शिक्षा में अवरोधन। शिक्षा में अपव्यय से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में अपव्यय का तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए हुए समय, धन एवं शक्ति से है जो किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं। शिक्षा में अवरोधन से क्या आशय है? शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है छात्र को शिक्षा के क्षेत्र में नियमित रूप से प्रगति ना करना, अर्थात निर्धारित अवधि में किसी कक्षा में परीक्षा पास करके अगली कक्षा में ना पहुंच पाना। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में प्रमुख बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन धन की प्रचुरता है। प्राथमिक शिक्षा में प्रसार में प्रमुख बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन है। राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना सन 1979 में की गई थी। दूरगामी शिक्षा से क्या आशय है? दूरगामी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत देश के किसी भी भाग में रहने वाले और किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक शिक्षार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने का उपयुक्त तो अवसर प्राप्त हो जाता है। शिक्षा के महत्व के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा किए गए एक प्रयास का उल्लेख की करें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया? 18 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिए। भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रसार के लिए
क्या मुख्य प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा संबंधी किस तत्व का उल्लेख है? भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रसार के लिए 6 से 14 वर्ष की बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निम्न बहुविकल्पी शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व तो दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत। शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या का कारण है उपयुक्त सभी सामान्य निर्धरता शीघ्र जीवकोपार्जन की आवश्यकता शिक्षा के पाठ्यक्रम का उपयुक्त ना होना। शिक्षा के प्रसार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था 1990 से 91 में। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई 1986 से 88 में। स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं दो समाज सुधारकों के नाम लिखें। राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद सरस्वती। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन कब हुआ? 1959 में NCWE का गठन हुआ। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ तथा इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन सन 1958 ईस्वी में हुआ तथा इसे देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। महिला समाख कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ और क्यों? महिला समाख कार्यक्रम हंसा मेहता समिति 1962 की सिफारिशों से प्रारंभ हुआ। इस योजना को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। वर्तमान परिस्थितियों में सह शिक्षा के प्रति क्या विचार है? वर्तमान परिस्थितियों में सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किस काल में महिलाएं समान मंच पर पुरुषों से शास्त्रार्थ करती थीं? वैदिक काल में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व किस काल में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सराहनीय प्रयास किए गए थे? ब्रिटिश शासन काल में। बालक का भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है, ये कथन है नेपोलियन का। स्त्री के प्रसार में बाधक कारक हैं उपयुक्त सभी। तो मुझे 100 सुशिक्षित माताएं दो, मैं एक महान राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा, यह कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिला थी गार्गी। मध्यकालीन महिला इतिहासकार थी गुलबदन बेगम। वर्तमान सामाजिक शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्वक काल में किस नाम से जाना जाता था? वर्तमान सामाजिक शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्ण काल में प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था। कोई ऐसा कथन लिखिए जो प्रौढ़ शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा के अंतर को स्पष्ट करता हो। प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना में आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। वह साक्षरता के अपने छोटे से दायरे से निकलकर सामाजिक शिक्षा का व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है, बंसीधर श्रीवास्तव ने कहा है। भारत के किस क्षेत्र ग्रामीण अथवा नगरी में प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को सामाजिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्तमान सामाजिक शिक्षा की सफलता के मार्ग में मुख्य बाधक कारक क्या है? प्रौढ़ स्त्री पुरुष का निरक्षर होना। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 5 सितंबर 1969 को। भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ हुआ 1910 में। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1939 में। देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1978 में। प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिकता किस वर्ष कहा जाने लगा? 1949 में। समाज के प्रौढ़ स्त्री पुरुष को साक्षर बनाने तथा जीविकोपयोगी ज्ञान प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली शैक्षिक योजना को कहते हैं सामाजिक शिक्षा योजना। हाँ ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ? 11 मई 2000 को। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई। कौन सा प्रांत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? उत्तर प्रदेश।
जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों और अध्यापकों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराना। भारत में जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1986 में। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे से संबंध है? जनसंख्या की स्थिति से। जनसंख्या शिक्षा का आरंभ होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा स्तर से। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, यह परिभाषा है गिलफोर्ड की। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलोव। बिल्लियों पर प्रयोग किया थार्नडाइक ने। नवीन अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक है चार्ल्स स्किनर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थार्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही उद्दीपन प्रक्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हिलगार्ड ने। करके सीखने की क्रिया से सीखने का कौन सा नियम सर्वाधिक प्रभावी है? तत्परता का नियम। कोलर ने सीखने के नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। थार्नडाइक के सीखने के नियम है तीन अधिगम, जिसमें व्यक्ति किसी समाधान या हल की जांच करता है कि कहां गलतियां हैं, उनकी पुनः जांच कर ठीक करता है और तब तक ठीक करता है जब तक सफल नहीं होता। ये कथन किस विशेषता है को दर्शाता है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के जनक हैं कोलर। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक हैं थार्नडाइक। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा। समस्यात्मक परिस्थितियों को समग्र में एक समझा जाता है और तुरंत ही स्पष्ट रूप से पूर्ण दृष्टि से मन में आ जाता है। ये कथन किसकी विशेषता है? सूझ द्वारा सीखने की। अधिगम जो बिना किसी पूर्व नियोजन के तर्कहीन यांत्रिक और बिना किसी क्रम के जहां हल आकस्मिक हो जाता है को जाना जाता है सूझ द्वारा अधिगम। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये कथन किसका है? स्किनर का। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं ये सभी कारक। सीखने के नियम आधारित हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर। सूझ द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त होता है एकाएक। कोलर ने अपना प्रमुख मुख्य प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी पर। किस विधि द्वारा विषय को सीखने में समय की बचत होती है? सूझ विधि द्वारा। छोटे बच्चे एवं मंदबुद्धि बालक मुख्य रूप से किस विधि द्वारा कार्य करना सीखते हैं? प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा। सीखने के पठार की दिशा में सीखने की गति में वृद्धि नहीं होती। सीखने से क्या आशय है? व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सीखना माना जाता है। सीखने की स्किनर द्वारा प्रतिपादित परिभाषा लिखें। सीखना व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया की चार मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सीखना व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। सीखना सक्रिय होता है तथा सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले चार मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा तथा प्रबल प्रेरणा। सीखने के मुख्य नियम किसने प्रतिपादित किए? सीखने के मुख्य नियम थार्नडाइक ने प्रतिपादित किए हैं। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। शारीरिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? शरीर के अंगों को विकसित तथा सुदृढ़ या पुष्ट होना ही शारीरिक परिपक्वता है। सीखने की प्रक्रिया पर परिपक्वता का क्या प्रभाव पड़ता है? सीखने की प्रक्रिया के लिए शरीर का परिपक्व होना अति आवश्यक है। थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि का समर्थन किया है? थार्नडाइक ने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का समर्थन किया है। थार्नडाइक ने पिंजरे में अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? सीखने के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कोलर थे। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे?
सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक रूसी विद्वान पावलव थे। सामान्य जीवन में व्यक्तियों द्वारा सीखने के लिए किस विधि को सर्वाधिक अपनाया जाता है? सामान्य जीवन में व्यक्तियों द्वारा सीखने के लिए अनुकरण विधि को सर्वाधिक अपनाया जाता है। सीखने के पठार से क्या आशय है? व्यक्ति के सीखने की दर का स्थिर हो जाना अर्थात सीखने के दर में वृद्धि ना होना ही सीखने का पठार कहलाता है। सीखने के पठार के निराकरण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? सीखने के पठार के निराकरण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है किसी प्रबल प्रेरणा को उत्पन्न करना। सीखने का मुख्य कारण क्या है? सीखने का मुख्य कारण प्रेरणा है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? प्रस्तुत परिभाषा स्किनर द्वारा प्रतिपादित है। थार्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम प्रतिपादित किए हैं? थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक के अभ्यास के नियम के कितने उपनियम हैं? थार्नडाइक के अभ्यास के नियम के 3 उपनियम हैं, पुनरावृत्ति का नियम, नवीनता का नियम, अनुप्रयोग का नियम। अनुपयोग है व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी? गिलफोर्ड ने। सीखने की प्रक्रिया में उस दिशा को क्या कहते हैं जब व्यक्ति की सीखने की दर स्थिर हो जाती है? सीखने का पठार अधिगम में चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? कोलर ने। सीखने का प्रमुख कारक क्या है? सीखने का प्रमुख कारक अनुकरण है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख शारीरिक कारकों का उल्लेख करें। आयु एवं परिपक्वता, लिंग भेद, स्वास्थ्य तथा संवेगात्मक स्थिरता। सीखने तथा परिपक्वता में क्या संबंध है? परिपक्वता सीखने के लिए अनिवार्य शर्त है। अवप्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवप्रेरणा से सीखने की प्रक्रिया सुचारू एवं सरल हो जाती है। सीखने के तत्परता के नियम से क्या अभिप्राय है? सीखने के तत्परता के नियम के अनुसार कुछ भी सीखने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम मानसिक रूप से तैयार होना अनिवार्य है। इस नियम के अनुसार तैयारी या तत्परता सदैव सीखने में सहायक होती है। सीखने के लिए मनुष्यों द्वारा सर्वाधिक किस विधि को अपनाया जाता है? अनुकरण विधि। सीखने की कौन सी विधि ऐसी है जिसे प्रमुख रूप से केवल मनुष्यों द्वारा ही अपनाया जाता है? सूझ अथवा अंतर्दर्शन द्वारा सीखने की विधि। सीखने की कौन सी विधि ऐसी है जिसे मनुष्य तथा पशु समान रूप से अपनाते हैं? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। सूझ द्वारा सीखने की विधि को दर्शाने के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण प्रयोग किया था तथा उसने यह प्रयोग किस पशु पर किया था? सूझ द्वारा सीखने की विधि को दर्शाने के लिए कोलर नामक मनोवैज्ञानिक ने वनमानुष पर महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। कोलर ने अपना प्रयोग किस पर किया? कोलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी वनमानुष पर किया था। संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखने की विधि को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? रूस के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री पावलव ने। पावलव ने अपना महत्वपूर्ण प्रयोग किस पशु पर किया था? कुत्ते पर। किसी कार्य को करने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कारक को कहते हैं प्रेरणा। प्रेरणा के नितांत अभावों का व्यक्ति के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रेरणा के नितांत अभाव में व्यक्ति द्वारा कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। प्रेरणा की एक स्पष्ट परिभाषा लिखें। प्रेरणा वे शारीरिक तथा मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडूगल। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन गुड का है। प्रेरणायुक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण क्या होता है? प्रेरणायुक्त व्यवहार का मुख्य लक्षण है अतिरिक्त शक्ति का संचालन। अभिप्रेरणा प्रेरणा का कोई एक वर्गीकरण बताइए। अभिप्रेरणा के एक वर्गीकरण के अंतर्गत प्रेरणा के 2 वर्गों में बांटा जाता है, जन्मजात प्रेरक तथा अर्जित प्रेरक।
मुख्य जन्मजात प्रेरक कौन कौन से हैं? मुख्य जन्मजात प्रेरक हैं भूख, प्यास, निद्रा तथा काम। प्रशंसा एवं निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? प्रशंसा एवं निद्रा सामान्य अर्जित प्रेरक हैं। अभिप्रेरणा का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिप्रेरणा की दशा में सीखने की प्रक्रिया सुचारू तथा अच्छे रूप से संपन्न होती है। प्रेरणा के प्रारंभ के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्रेरणा के प्रारंभ के लिए आवश्यकता की अनुभूति उत्तरदायी होती है। प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है? प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है आवश्यकताओं को अनुभव करना एवं आदत। भूख कैसा प्रेरक है? भूख एक प्रमुख जन्मजात प्रेरक है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, किसने कहा है? स्किनर ने। अभिप्रेरणा से क्या आशय है? अभिप्रेरणा वह मानसिक क्रिया है जो किसी प्रकार के व्यवहार को प्रेरित करती है। किसी भी व्यवहार के संपन्न होने के लिए अनिवार्य कारक है प्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोदैहिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह वह ऐसी प्रक्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। यह परिभाषा किसकी है? लावेल की। प्रेरक कोई एक विशेष आंतरिक कारक या दशा है जिसमें किसी क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यह परिभाषा किसने दी है? गिलफोर्ड ने। प्रेरणा का स्वाभाविक कारण है संवेग। प्रेरणा की उत्पत्ति को अर्जित कारण है रुचि। भूख और प्यास कैसे प्रेरक हैं? जन्मजात। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह किसका मत है? थॉमसन का। प्रेरणा परिणामों के तत्कालिक ज्ञान से प्राप्त होती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। शिक्षा के प्रति प्रेरित बालक के लक्षण हैं ये सभी लक्षण। व्यक्ति की जन्मजात प्रेरणा है भूख। गैरेट के अनुसार प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? 3। प्यास किस प्रकार का प्रेरक है? जन्मजात। रुचि को वह प्रेरक शक्ति कहा जाता है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। रुचि की यह परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित है? रुचि की प्रस्तुत परिभाषा क्रो एंड क्रो द्वारा प्रतिपादित है। ध्यान या अवधान का क्या अर्थ है? ध्यान या अवधान वह मानसिक क्रिया है जिसमें हमारी चेतना किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु पर केंद्रित होती है। अवधान की प्रक्रिया की 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अवधान की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है एकाग्रता, मानसिक क्रियाशीलता, चयनात्मकता तथा प्रयोजनशीलता। कोई ऐसा कथन लिखिए जिससे अवधान एवं रुचि के संबंध को जाना जा सके। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान देता है तो अवधान के कारण उस वस्तु में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। रास। रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का। रुचियों के मुख्य वर्ग या प्रकार कौन कौन से हैं? जन्मजात रुचियां तथा अर्जित रुचियां। रुचि क्या है? रुचि किसी उत्तेजना, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की ओर आकर्षित होने की प्राकृतिक, जन्मजात या अर्जित प्रवृत्ति है। अवधान के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह परिभाषा किसने दी है? डंबिल ने। किसी भी दृष्टिकोण को देखा जाए अंतिम विश्लेषण में अवधान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? मन का। अवधान गतिशील होता है क्योंकि वह अन्वेषणात्मक है, यह कथन है वुडवर्थ का। रुचि एक प्रेरक शक्ति है। रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है, यह कथन है ड्रेवर का। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है, यह मत किसका है? मैकडूगल का। विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है अवधान।
पाठ को रुचकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी अवधान तथा रुचि के आपसी संबंध के विषय में सत्य है, रुचि तथा ध्यान परस्पर पूरक होते हैं। पुरस्कार से क्या आशय है? पुरस्कार का आशय बालक को अच्छे कार्यों को करने के फलस्वरूप सुखद अनुभूति कराने से है। पुरस्कार की एक परिभाषा दें। पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। हरलॉक बालकों को विद्यालय में समान रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार के चार प्रकार लिखें। प्रशंसा पदक या मेडल, प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति। पुरस्कार प्रदान करने के चार मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। अनुशासन के प्रति आस्था, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना, अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना। विद्यालय में पुरस्कार प्रदान करने में ध्यान रखने योग्य प्रमुख तत्व क्या है? पुरस्कार प्रदान करते समय ध्यान में रखने योग्य प्रमुख बात यह है कि पुरस्कार देने का निर्णय हर प्रकार से तटस्थ हो, अर्थात उसमें कोई पक्षपात ना हो। दंड कितने प्रकार का होता है? दंड दो प्रकार का होता है, सरल दंड तथा शारीरिक दंड या कठोर दंड। दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। सीखने में दंड का क्या स्थान है? सीखने में दंड का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह सुधारात्मक होना चाहिए। मध्यकाल में भारत में किस प्रकार के दंड का प्रचलन था? मध्यकाल में भारत में कठोर दंड व्यवस्था का प्रचलन था। बालकों को दिया जाने वाला आर्थिक दंड क्यों अनुचित माना जाता है? आर्थिक दंड का प्रत्यक्ष प्रभाव अलग पर नहीं बल्कि उसके अभिभावकों पर पड़ती है, अतः इसे अनुचित माना जाता है। दंड व्यवस्था से प्राप्त होने वाले चार लाभों का उल्लेख करें। गलतियों पर रोक, अपराधों पर नियंत्रण एवं कमी, अनुशासन की स्थापना, बुरी आदतों को समाप्त करना। मूर्त पुरस्कार किसे कहते हैं? उदाहरण दें। किसी वस्तु अथवा सामग्री के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार मूर्त पुरस्कार कहलाता है। इसके उदाहरण है कोई उपयोगी वस्तु, बैट, फुटबॉल आदि, शील्ड तथा धनराशि। सीखने में पुरस्कार का क्या स्थान है? सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार एक प्रबल प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यह परिभाषा है हर लाख की। पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। यह कथन है राय बर्न का। अमूर्त पुरस्कार है प्रशंसा। पुरस्कार का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में रुचि, उत्साह एवं लगन के कार्य करने की भावना उत्पन्न करना। तांडव के सीखने के किस नियम का सामान्य पुरस्कार व्यवस्था से है? प्रभाव का नियम। दंड एक सीथन है जिसके द्वारा अवांछित कार्यों के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? थॉमसन। दंड अवांछित व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है। यह परिभाषा दी राजशेखर ने। उपेक्षात्मक दंड का उदाहरण है कक्षा में पीछे बैठाना। दंड और पुरस्कार है सामाजिक प्रेरक। उदंड छात्रों के लिए कौन सा दंड लाभकारी है? शारीरिक दंड। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की एक उत्तम परिभाषा दें। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का अनुसंधान करना और उनकी सुरक्षा के उपाय करना। ड्रेवर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य कार्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों, मानसिक अवस्थाओं के लक्षणों, मानसिक रोग तथा उनके कारणों और मानसिक अवस्थाओं को दूर करने के उपायों का अध्ययन व विवेचन करता है। मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा लिखें। मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित है। भाटिया। मानसिक स्वास्थ्य और सीखने के बीच कैसा संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य और सीखने के बीच घनिष्ठ संबंध है। सामान्य मानसिक स्वास्थ्य की दशा में सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है तथा मानसिक स्वास्थ्य के असामान्य हो जाने की दशा में सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चल पाना संभव नहीं है। किस प्रकार आदमी व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है?
कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को भली भांति पालन करके अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। मानसिक अस्वस्थता से क्या आशय है? मानसिक अस्वस्थता वह स्थिति है जिसमें जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में व्यक्ति स्वयं को असमर्थ पाता है तथा संवेगात्मक असंतुलन का शिकार हो जाता है। मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण क्या है? मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है जीवन में समायोजन का बिगड़ जाना। स्वप्न विश्लेषण विधि किस उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए स्वप्न विश्लेषण विधि को अपनाया जाता है। मानसिक रोगियों के उपचार के लिए अपनाई जाने वाली मनोविश्लेषण विधि को किसने प्रारंभ किया था? मनोविश्लेषण विधि को फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। गंभीर मानसिक अवस्था के उपचार के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? आघात विधि, रासायनिक विधि, मनोशल्य चिकित्सा। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? जीवन में सामंजस्य तथा सकारात्मक सोच मानसिक सोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। हेडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे है? हेडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा मानसिक रोगों की रोकथाम है। मनोग्रंथियों का निर्माण क्यों होता है? निरंतर असफलताओं, हताशाओं, कुंठाओं तथा भावनाओं की अस्त व्यवस्था के कारण मनोग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता। यह परिभाषा दी है लैंडेल ने। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करता है, ऐसा कहा गया है हेडफील्ड द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक असंतुलन को रोकने से है, ऐसा कहा गया हेडफील्ड द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के निम्नलिखित पहलू हैं सिवाय सांस्कृतिक पहलू के। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का निम्नलिखित कार्य नहीं है संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है निद्रा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है शारीरिक विकलांगता का। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? संवेगात्मक अस्थिरता। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है मानसिक रोगों का उपचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ये सभी स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का एकमात्र पहलू है ये सभी उपचारात्मक पहलू, निरोधात्मक पहलू, संरक्षणात्मक पहलू। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का नहीं? तेज गति से आर्थिक समृद्धि। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न में से क्या पाया जाता है? आत्मविश्वास की अधिकता, बुद्धि की एक संक्षिप्त परिभाषा लिखें। बुद्धि अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता है टर्मन। बुद्धि के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं या थार्नडाइक ने बुद्धि के तीन भाग किए हैं वे कौन से हैं? गैरेट तथा थार्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार निर्धारित किए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि तथा सामाजिक बुद्धि। बुद्धि की व्याख्या के लिए कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं? एक खंडी सिद्धांत, दो खंडी सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, त्रा सिद्धांत। सामान्य एवं विशिष्ट कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सामान्य एवं विशिष्ट कारक बुद्धि सिद्धांत दो खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया है। विश्वसनीयता और वैधता किस प्रकार के परीक्षण की मुख्य विशेषताएँ हैं?
विश्वसनीयता और वैधता मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की मुख्य विशेषताएं हैं। बुद्ध परीक्षण से क्या आशय है? बुद्ध परीक्षण वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जो मानव व्यक्तित्व के सर्व प्रमुख तत्व एवं उसकी प्रधान मानसिक योग्यता बुद्धि का अध्ययन तथा मापन करते हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के समय किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण का जन्म हुआ? प्रथम विश्वयुद्ध के समय मुख्य रूप से शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षणों का जन्म हुआ। इनके उदाहरण हैं आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण। बुद्धि परीक्षणों में निहित क्रियाओं के आधार पर उनके मुख्य वर्ग कौन से हैं? शाब्दिक परीक्षण तथा अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि को इज इक्वल टू मानसिक आयु बाय शारीरिक आयु इंटू 100। बुद्धि चार तत्व का समूह है, किसने कहा? वुडवर्थ ने। बुद्धि लब्धि सूत्र के निर्माता कौन है? बुद्धि लब्धि सूत्र के निर्माता टर्मन है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? बुद्धि से व्यक्ति अतीत के अनुभवों से लाभ उठाता है, वर्तमान परिस्थिति को समझता है तथा नवीन परिस्थितियों में समायोजन करता है। मंदबुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि लिखिए। अत्यंत मंद बालक की बुद्धिलब्धि 70 से 79 होती है तथा मंद सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि 80 से 85 होती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है तथा प्रभावी ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। किसने कहा कि बुद्धि 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह है? लुई थर्स्टन। बुद्धि लब्धि क्या है? बालक की वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुपातित स्वरूप को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित है? यह परिभाषा टर्मन द्वारा प्रतिपादित है। मानसिक आयु कैसे ज्ञात की जाती है? मानसिक आयु विभिन्न परीक्षणों द्वारा ज्ञात की जाती है। भारतीय शिक्षा शास्त्री भाटिया द्वारा तैयार किए गए बुद्धि परीक्षण किस वर्ग के बुद्धि परीक्षण हैं? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण किस वर्ग का परीक्षण है? आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह किसका कथन है? माल्टन का। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसकी है? टर्मन की। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, बुद्धि जन्मजात होती है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व हैं? 4। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख तत्वों का समूह बताया है? थर्स्टन। बुद्धि परीक्षा किस प्रकार का कार्य अथवा समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है? यह कथन किसका है? ड्रेवर का। एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाने वाला बुद्धि परीक्षण कहलाता है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। सन 1910 में किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की? सामूहिक बुद्धि परीक्षा का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका में। प्रथम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी सन 1905 ईस्वी में। 70 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है दुर्बल बुद्धि। सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ। उत्कृष्ट बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 110 से 120। प्रतिभाशाली जीनियस बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। एक बालक की मानसिक आयु 12, शारीरिक आयु 16, तो बुद्धि लब्धि 75 होगी। बालक की मानसिक आयु 15, वास्तविक आयु 12, बुद्धि लब्धि होगी 125। आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण थे? शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं इन सभी के लिए। जिन परीक्षणों में लकड़ी के गुटकों, कार्डबोर्डों या ठोस वस्तुओं के हाथों से बर्ताव करना पड़ता है उन्हें कहते हैं कार्यात्मक परीक्षण।
बुद्धि लब्धि के विषय में सत्य कथन है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यह मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच अनुपात है। यह बुद्धि की मात्रा नहीं है, यह बुद्धि की क्षमता है जो समय समय पर परिवर्तित हो सकती है। उपलब्धि परीक्षण से क्या आशय है? छात्रों द्वारा किए गए ज्ञानार्जन के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए परीक्षणों को उपलब्धि परीक्षण कहीं कहा जाता है। विद्यालय में उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्र को अगली कक्षा में भेजने का निर्णय लेना होता है। उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार हैं मौखिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कौन सा परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्राचीनतम प्रकार है? मौखिक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्राचीनतम प्रकार है। किस परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में देते हैं? निबंधात्मक परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर निबंध के रूप में देते हैं। निम्न सूत्र से क्या निकालते हैं? बुद्धि लब्धि, विश्वसनीयता और वैधता किस प्रकार के परीक्षण के मुख्य उदाहरण विशेषताएं हैं? विश्वसनीयता और वैधता वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की मुख्य विशेषताएं हैं। कक्षा शिक्षण के परिणाम स्वरूप किए गए ज्ञानार्जन का मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। ज्ञान आयु है, निबंधात्मक परीक्षण का गुण है ये सभी, निबंधात्मक परीक्षण का दोष है ये सभी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का गुण है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का गुण नहीं है अपनी रुचि एवं दृष्टिकोण से उत्तर देना, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से हम माप सकते हैं तर्क शक्ति को। उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता अथवा किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा को मापन करती है। यह परिभाषा है गैरीसन की। जिस परीक्षा में छात्रों को उत्तर विस्तृत रूप से लिख कर देने पड़ते हैं उस परीक्षा को कहते हैं निबंधात्मक परीक्षा। व्यक्तित्व की एक स्पष्ट परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। आलपोट। व्यक्तित्व के निर्माण के किन कारकों का योग रहता है? व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित गुणों का योग रहता है। किस विद्वान ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर किया है? क्रैचमर नामक विद्वान ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। किस विद्वान ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? सेल्डन ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिकता के आधार पर किया है? जंग नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण सामाजिकता के आधार पर किया है। संतुलित व्यक्तित्व की चार प्रमुख मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलन तथा सामाजिकता। व्यक्तित्व परीक्षण की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? वैयक्तिक विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियाँ। व्यक्तित्व परीक्षण की मुख्य वैयक्तिक विधियाँ कौन कौन सी हैं? प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है? रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण एक प्रक्षेपण विधि है। किस विधि से व्यक्ति में सामाजिक अंतर संबंधों के को मापा जाता है? सामाजमिति विधि द्वारा व्यक्ति में सामाजिक अंतर संबंधों को मापा जाता है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। किस प्रकार के व्यक्तियों में आत्मविश्वास की सुदृढ़ भावना और पर्याप्त सहनशीलता होती है? बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तियों में आत्मविश्वास की सुदृढ़ भावना और पर्याप्त सहनशीलता होती है। सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोविकृति चिकित्सक हरमन रोसा ने किया था। बाल संप्रत्यय परीक्षण कैट का संबंध किस परीक्षण से है?
बाल संप्रत्यय परीक्षण कैट का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है। व्यक्तित्व के शाब्दिक अर्थ को बताएं। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप। स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की एक प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व रुचियों का वह समाकलन है जो जीवन के व्यवहार में एक विशेष प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। यह परिभाषा है मैकार्डी की। सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से जंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं दो। व्यक्तित्व परीक्षण की व्यक्तिक विधि है प्रश्नावली विधि। रोडसा परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है समाजमिति। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं फ्रायड। प्रक्षेपण विधि मापन करती है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व मापन की आरोपणात्मक विधि है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। आर बी कैटल द्वारा विकसित पीएफ प्रश्नावली में प्रयुक्त पीएफ व्यक्तित्व कारकों की संख्या है 16। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है कथन है स्किनर का। वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण की किस विधि में शामिल है? आत्मचरित्र लेखन विधि। निर्देशन का क्या अर्थ है? निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने व समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई हुई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती हैं। जोन्स। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार निर्देशन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। निर्देशन की विधि के आधार पर निर्देशन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? वैयक्तिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन। विद्यालय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए दिए जाने वाले निर्देशन को क्या कहते हैं? विद्यालय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए दिए जाने वाले निर्देशन को शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। शैक्षिक निर्देशन की कितनी विधियाँ हैं? वैयक्तिक निर्देशन, सामूहिक निर्देशन। व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन में एक समय में कितने व्यक्तियों को निर्देशन प्राप्त होता है? व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन में एक समय में एक ही व्यक्ति को निर्देशन प्राप्त होता है। शैक्षिक निर्देशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? बालक को शैक्षिक परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना। शैक्षिक परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने के लिए शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। व्यक्ति की व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए दिए जाने वाले निर्देशन को क्या कहते हैं? व्यक्ति की व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए दिए जाने वाले निर्देशन को व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। एक साथ अनेक व्यक्तियों के को निर्देशन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक साथ अनेक व्यक्तियों को निर्देशन प्रदान करने की प्रक्रिया को सामूहिक निर्देशन कहते हैं। निर्देशन के केवल दो उद्देश्य लिखें। समस्या को भलीभांति समझने में सहायता प्रदान करना, समस्या का समाधान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। निर्देशन क्यों आवश्यक है? किसी भी समस्या के उचित समाधान को ढूंढने के लिए निर्देशन आवश्यक होता है। व्यावसायिक निर्देशन की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, व्यक्तिगत व्यावसायिक निर्देशन तथा सामूहिक व्यावसायिक निर्देशन। निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं अपने में दूसरों से तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। ये परिभाषा दी है स्किनर ने। निर्देशन प्रदर्शन नहीं है, यह कथन किसका है? क्रो एंड को का। शैक्षिक निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। यह परिभाषा दी है हैमरिन व एरिक्सन ने। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्तियों को व्यवसायों में समायोजित होने में सहायता प्रदान करता है, यह कथन है सुपर का। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है छात्र का सर्वांगीण विकास। शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने में सहायक होता है बौद्धिक परीक्षण। बालकों को विद्यालय की सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाने वाला निर्देशन कहलाता है शैक्षिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है व्यावसायिक समस्याओं का समाधान। किसी व्यक्ति को किसी समस्या के समाधान के लिए
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सहायता को कहते हैं निर्देशन। निर्देशन वह निजी सहायता है जो जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने में, समायोजन करने में और लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने में एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दी जाती है। यह कथन किसका है? आर्थर जोन्स का। निर्देशन की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है इन सभी के लिए। शैक्षिक निर्देशन के प्रमुख महत्व हैं ये सभी महत्व। व्यवसायिक निर्देशन वह सहायता है जो किसी व्यक्ति को अपनी व्यवसायिक समस्याओं के समाधान के लिए दी जाती है। इस सहायता का आधार व्यक्ति की विशेषताएं तथा उनसे संबंधित व्यवसाय चुनना है। यह कथन किसका है? जोन्स का। व्यवसायिक विवरण के लिए दिए